राधे राधे एवरीवन, होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं, मेरे लल्ला और मेरा पूरा परिवार, हम सब लोग बहुत अच्छे हैं। अभी आप लोग लल्ला की खुशी देख रहे हो। वैसे आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, टाटा और थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए हो कि आज है हमारे बाबू मतलब मेरे भतीजे की बरही सेरेमनी। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ काजल पारने का रस्म, क्योंकि ये रस्म जो होता है वो बुआ ही करती है। सोना के टाइम पे भी मैंने ही किया था, इस बार तो हमारी लल्ला भी है काजल पारने का रस्म करने के लिए अपनी मम्मा के साथ। तो मैं यहाँ पे काजल पारने का रस्म कर रही हूँ और मम्मी यहाँ पे मुझे नेक दे रही हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बुआ जब काजल पारती हैं तो नेक मिलता है। तो मम्मी मुझे नेक दे दी हैं, जो कि लल्ला ने ले लिया है। पीछे सोना और चांदनी खड़ी है। सोना अभी जस्ट नहा के आई है। लल्ला को देखिए जो नेक मिला, कैसे मोर चमोर के खेल रही है। और इधर देखिए हमारी मम्मी को, मम्मी क्या कर रही है, तो मम्मी खाना बनाई है, पूरा तैयारी करी है, क्योंकि आज बड़ी सेरेमनी है। दिन में ही है, रात में होता था बट आज दिन में ही है, क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है जो आपको पता चलेगा। ये देखिए इतने सारे पापड़ झापड़ चिप्स चनौरी सब मम्मी ने बना लिए, खाना पूरा बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी भाभी रेडी हो चुकी है बड़ी सेरेमनी करने के लिए। नहा धो के मैं भी नहा धो के आ चुकी हूँ। लल्ला तो हमारी कपड़ा नहा ली है। तो अभी मैं सॉरी भाभी के पैरों में आलता लगा रही हूँ, नेल कलर लगा रही हूँ। आज हमारी भाभी बाबू के हो जाने के बाद मतलब अपनी डिलीवरी के हो जाने के बाद पहली बार इस तरीके से नहा धो के रेडी हुई है। अभी तक बरी हुई नहीं थी, नहाती तो डेली है, ऐसा नहीं कि नहाती नहीं है, डेली नहाती है। बट ये आलता पैरों में ये भी लगा हुआ था जो ठाकुर आए थे, आप लोगों ने देखा होगा वो वाला क्लिप भी, वीडियो मैंने शेयर किया था पीछे के ब्लॉग में। बट इस तरीके से नया साड़ी पहन के एकदम प्रॉपर दुल्हन वाले रूप में भाभी अभी तक मतलब बाबू के हो जाने के बाद अपनी डिलीवरी के बाद पहली बार तैयार हो रही है। चूड़ी यहाँ पे चांदी रखी भाभी को पहनने के लिए। इधर सोना परेशान करी है, इधर लाडो परेशान करी है, और लल्ला को तो मम्मी गोदी में ली हुई थी तो इसलिए लल्ला परेशान नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब भी पैरों में कोई आलता लगाता है ना, हमारे घर की तीनों बच्चियाँ एकदम परेशान करके रख देती हैं कि पहले मेरे पैरों में आलता लगा दो। तो यहाँ पे मैंने भाभी के पैरों में आलता लगा दिया है। अब मैं सोना को बोल रही हूँ अपने भतीजे को कि आ जाओ बेटा, आपके पैरों में भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये कब से मुझे परेशान कर रही है, बुआ मेरे पैरों में भी आलता लगा दो। तो अभी मैं सोना के पैर में आलता लगा रही हूँ। भाभी लगभग लगभग रेडी हो ही चुकी है, थोड़ा बहुत बाकी है तो वो भी गई है रेडी होने के लिए। और ये हमारा काजल जो है ये भी लगभग लगभग बनकर तैयार हो गया है। वैसे तो सच बताऊँ ना, तो काजल पारने का जो भी चीज़ था वो सब मम्मी तैयार करके रखी थी। ये जो कजरौटा मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ ना, ये कजरौटा ये हम लोग के टाइम का है, मतलब अभी से 27-28 साल पहले का ये कजरौटा है। भैया जन्म लिए थे तभी ये मम्मी खरीदी थी, खरीदी नहीं थी पता नहीं दादी बाबा लोग कोई खरीदा होगा। और ये है शुद्ध देसी घी गाय का, तो इसी से मैं काजल बना रही हूँ। ये जो काजल बना के रखी थी मैं, ये सब ना मम्मी बताई थी मुझे। वैसे एक बार पहले भी मैं सोना के टाइम पे भी बनाई थी, तो मुझे थोड़ा बहुत याद था लेकिन एकदम प्रॉपर याद नहीं था, तो इसीलिए मम्मी की गाइडेंस में ही मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ। तो हमारा काजल जो है लगभग लगभग बनकर तैयार ही है। देखिए कितना अच्छा काजल बनाया ना, और इतनी खुशी हो रही थी। और ये हमारा पुराना सा इतने सालों का कजरौटा। तो बस यहाँ पे खाना जो है मम्मी पहले से ही रेडी कर चुकी थी। मम्मी ने कहा कि तुम निकाल के ले आओ, क्योंकि बाबू को मम्मी गोदी में ली हुई थी। तो मैं खाना निकाली हूँ भाभी के लिए और यहाँ पे मैंने ला के परोस दिया है। अब भाभी हमारी करेंगी बड़ी सेलिब्रेशन वाला रस्म, खाना खाएंगी भरपेट, क्योंकि बोला जाता है भरपेट खाना खाना होता है। जो भी खाना मम्मी बनाई है यही सब हम लोग के यहाँ बनता है। अभी ना मम्मी सबसे पहले भाभी का मांग भर रही है, क्योंकि हमारे बिहारी कल्चर में कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले मांग भरा जाता है। और मैं यहाँ पे बाबू को काजल लगा रही हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है ना। सोना के टाइम में भी मैंने ही काजल बनाया था और मैंने ही पहली बार सोना को काजल लगाया था। ऐसा होता है कि बुआ ही सबसे पहली बार काजल लगाती है, तो मुझे ये सौभाग्य बार बार प्राप्त होता है। अपनी भतीजी के टाइम पे भी प्राप्त हुआ था और भतीजे के टाइम पे मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं उस खुशी को अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। तो बस अभी हमारी भाभी बड़ी सेलिब्रेशन में जो भी रस्म रिवाज होते हैं छोटे मोटे से वो पूरा करने लगी हैं। हमारी दादी परदादी लोग के टाइम से ही हमारे घर में दाल चावल सब्जी भुजिया पापड़ चिप्स चनौरी यही सब बनता है। तो आज भी मम्मी यही सब बनाई है। अभी सोना को देख रहे हैं आप लोग, सोना आ गई हमारी। सोना ना बीच बीच में अपनी मम्मा को परेशान करते रहती है, एक्चुअली प्यार लेने आती हैं, क्योंकि सोना भी तो अभी बहुत छोटी है ना, तो सोना को अपनी मम्मी से प्यार चाहिए ही। बीच बीच में आके प्यार लेके जाती है। गुलाल का पैकेट इनको पता नहीं कहाँ से मिल गया है, तो वही बार बार आके भाभी को दिखा रही है। होली टाइम को गुलाल का पैकेट कहीं भी रखा हुआ था घर पे, तो इनको मिल गया होगा। पता है ना, मैं ना ऐसे भाभी को ये रस्म करते हुए देख रही हूँ ना, तो मुझे अपने टाइम याद आ रहा है कि कैसे मैं लल्ला को गोदी में लेके छठी सेलिब्रेशन करी थी, छठी वाला रस्म निभाई थी। मेरे ससुराल वालों ने जैसा जैसा बताया था, मायके में रहते हुए भी सब कुछ मैंने वैसे ही किया था, मम्मी ने सब मुझसे करवाया था वैसे ही से। ये क्या किया बेटा?
लल्ला आप ये क्या की हैं? नहीं मामी को मत छुओ, ये देखो देखो जरा इनको। ये क्या किए हो बेटा, ये क्या किए हो? पूरा काजल, ये क्या किए हो बेटा? मामा आपको नहीं लगाई तो आप अपने से लगा ली। छिची दिखाओ, छिची है, छिची। और अपना चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा दिखाओ अपना चेहरा। ना ये सब क्या हुआ? दिखाओ जरा, दिखाओ 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 दिखाओ, इधर चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। ची 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 ची, क्या हो गया? मम्मा काजल नहीं लगाई ना, इसीलिए हम अपने से लगा लिए पूरा। गंदी बच्ची। हे गाइस, तो अभी दोपहर के लगभग 2 बज रहे होंगे। आज मेरा एक पार्सल आया हुआ है, मैंने फिर से कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करी है। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे रविनेश कितना ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती है। मैंने आज अपने लिए बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करी है। मैंने अपने घर के छोटे शहजादे, अपने भतीजे के लिए कुछ ऑर्डर करा था। एक्चुअली मम्मी और भाभी ने ऑर्डर करवाया था बाबू के लिए, वही आज मुझे रिसीव हुआ है। मे बी आप लोग को जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा क्या मंगवाया। टिक टिक 1 2 3। तो गाइस चलो फाइनली आज आप लोग एकदम करीब से हमारे भतीजे को, हमारे घर के सबसे छोटे शहजादे यानी हमारे घर के 4th जनरेशन को देख लो। ये देखो आप लोग, मेरा भतीजा मेरे जैसा लग रहा है क्या? कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कैसा लग रहा है, किसके जैसा लग रहा है। इतना क्यूट है ना, मन करता बार बार मैं इसकी पुच्ची कर लूँ, प्यारी कर लूँ। कल मैंने ब्लॉग डाला था, उस पर मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि रवीना बार बार बाबू को किसने मत किया करो, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। मुझे पता है ये बात, बट पता है मन मानता ही नहीं है। इतना क्यूट लगता है, गोल्डू मुल्लू सा, मन करता है बार बार प्यारी कर लो। मैं कोशिश करूँगी, कंट्रोल करूँगी अपने आप पे कि अब ना करूँ। सही बात है कि इन्फेक्शन हो सकती है। तो आप लोगों ने देख लिया हमारे छोटे शहजादे को, मेरे भतीजे को। तो भाई अब तो नेक तो बनता है ना, नेक तो देना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसे फ्री में थोड़ा ना दिखाई हूँ। वैसे जब मैं काजल लगा रही थी बाबू को, कभी कभी ना कन्फ्यूज हो जाती हूँ, गलत वर्ड्स बोल जाती हूँ। जब मैं बाबू को काजल लगा रही थी तभी आप लोगों ने बाबू को देख लिया था, बट अभी मैं आप लोगों को करीब से दिखा। मैंने सोचा था ना बरही के दिन पक्का आप लोगों को दिखा दूंगी। वैसे इंस्टाग्राम पे रील बना बना के मैंने कब का सबको दिखा दिया है, बट यूट्यूब पे मैंने नहीं दिखाया था। तो यूट्यूब पे भी मैंने आज आप लोगों को सबको दिखा दिया अपने भतीजे को करीब से। कितना क्यूट लगता है ना छोटा बच्चा। अभी हमारा बाबू सिर्फ 11 दिन का हुआ है और 11 दिन पे ही इनकी दादी ने बरही सेलिब्रेशन कर दिया। उसका रीजन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, तो आप लोग बने रहिएगा और हमारे भतीजे को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। फाइनली आज के दिन से हमारे घर में पूजा पाठ भी स्टार्ट हो चुकी है। आज मम्मी का शुक्रवार का व्रत यानी कि संतोषी माता का व्रत है, तो मम्मी अभी पूजा कर रही हैं और साथ ही साथ चांदनी के मोबाइल में कथा भी सुन रही हैं। जब से बाबू जन्म लिया था हमारे घर में छुटका हो गया था। ऐसा बोला जाता है कि जब घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो छुटका माना जाता है, जब तक बरही छठी ना हो जाए तब तक पूजा पाठ नहीं होती है। तो अभी पूरा चैत्र नवमी में भी हमारे यहाँ एक भी दिन पूजा नहीं हुई, ना देवी माता की ना किसी भगवान की। अभी बाबू का आज बरही हो चुका, छुटका खत्म हो गया आज से हमारे घर में, तो आज से पूजा पाठ स्टार्ट हो चुकी है। और आज फिर से ये नावन भाभी आई हुई हैं सबके नेल्स काटने के लिए, सबके पैरों में आलता लगाने के लिए। वैसे ये वाली रस्म पहले ही हो चुकी है, आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा क्लिप मैंने व्लॉग में शेयर किया था पिछले व्लॉग में। जब भी मम्मी का नेल कलर होता है ना, मम्मी अपने पैरों में आलता लगवाती हैं, तो हमारी लल्ला पहले आके रेडी हो जाती है कि पहले मेरे पैरों में ही आलता लगवा दो नानी। मम्मी ने उनको भी नेक दिया था जो पहले आए हुए थे ठाकुर साहब, और फिर इनको भी दे दिया, तो ये भी खुश हो गई। और यहाँ देखिए हमारे घर के 4th जनरेशन एंड 1st जनरेशन दोनों साथ में, हमारा छोटा सा बाबू अपने परदादा जी के गोदी में। बाबा इतने खुश होते हैं ना अपने परपोता को गोदी लेके। सौभाग्य ही है हम लोग का भी कि हमारे बाबा दादी हमारे बच्चों को खिला रहे हैं। बस भगवान आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे, किसी की नज़र ना लगे हमारे घर परिवार पे। अभी बाबा दादी को खिलाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि बाबा ना कहीं जा रहे हैं। आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि बाबा कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। लल्ला हमारी सो रही हैं और लल्ला की सोना दीदी समोसा देके गई हैं, चांदनी लेके आई थी मार्केट से, तो सोना लेके आई हैं। चांदनी बोली थी सोना को कि ले जाओ गोरकी को दे दो, गोरकी बोलती हैं ये लोग इनको कि गोरकी को दे दो। तो सोना चिल्लाते हुए आई है, गोरी की बउआ ला सिंघारा, ला सिंघारा, हम लोग क्या सिंघारा बोला जाता है।
और ऐसे लल्ला के हाथ पर रख के गई हैं। लल्ला हमारी सो रही हैं, जगेंगी तो देखेंगी, उठ के खुश हो जाएंगी और खाने लगेंगी। बोले मेरे बच्चे की तो क्यूट लगता, छोटे हुए नजर ना लगे किसी की। उनके साथ बज रहे हैं अभी। लल्ला को लगभग 6 बजे के करीब मैं नहलाई हूँ, खुद भी नहाई हूँ और लल्ला को भी नहला रही हूँ। सुबह में ही हम लोग नहाए थे बट शाम में इतनी गर्मी लग रही थी कि फिर से दोनों माँ बेटी नहा लिए। और फिर लल्ला को मैंने मालिश कर दिया, ड्रेस पहना दिया, लल्ला को फीड करा दिया और उसके बाद लल्ला हमारी सो गई। अब उठेंगी तो छमोछा खाएंगी, छमोछा।